मॉर्निंग क्लास. आई एम योर जीएस मेंटर सौरभ महाजन फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स ऑफ जेकेएसएसबी, स्पेशली नायब तहसीलदार एंड पटवारी. जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी जानकारी दी गई थी कि 26 जनवरी से स्पार्क इंस्टीट्यूट जम्मू की तरफ से एक इनिशिएटिव को शुरू किया गया हुआ है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर अपकमिंग एग्जाम्स ऑफ जेकेएसएसबी, उनके लिए यूट्यूब पे एक ऑनलाइन बैच को शुरू किया गया है दैट विल बी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसकी टाइमिंग रहेगी मॉर्निंग 10 AM to 12 noon. आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को सिर्फ यूट्यूब चैनल पे जाके स्पार्क इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना होगा. सो फर्दर मूविंग नेक्स्ट, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, दिस विल बी द फैकल्टी हु विल टीच यू देयर रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स. सो दिस वॉज द शेड्यूल विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड यस्टरडे. हम लोगों ने लास्ट क्लास में इंडस वैली सिविलाइजेशन के टॉपिक को ऑलरेडी कवरअप कर लिया था. जिन भी स्टूडेंट्स ने उस टॉपिक को नहीं देखा हुआ, दे कैन गो थ्रू इट. सो टूडेज अवर लेक्चर टू, जिसका पार्ट वन वैदिक एज को हम लोग आज डिस्कस करेंगे. जो भी स्टूडेंट्स मेरे बारे में जानना चाहते हैं वो इस पर्टिकुलर स्लाइड को पॉज करके देख सकते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. फर्दर मूविंग नेक्स्ट, सो गाइज, दिस इज द टॉपिक ऑफ वैदिक एज विच वॉज फ्रॉम 1500 BC to 600 BC. वैदिक एज में हम लोगों को कई सारे स्क्रिप्चर्स, कई सारे लिटरेचर्स, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे, उन सब के बारे में हम लोगों को बात करनी है. उनके सोशल लाइफ, उनके रिलीजन, उनकी सोसाइटी, और टॉपिक को हम लोग एंड अप करेंगे 16 महाजनपद्स के थ्रू. ठीक है, तो एक बारी इस स्लाइड के ऊपर देख लेते हैं कि किन किन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात करनी है. सो इंडियन स्क्रिप्चर्स की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले अगर हम लोग देखें एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे आप लोगों को दिख रहे हैं वेद्स. ठीक है, तो वेद कितने? देर आर 4 वेद्स. 4 वेद हैं. कौन कौन से? वी हैव ऋग्वेद, वी हैव यजुर्वेद, वी हैव सामवेद एंड वी हैव अथर्ववेद. इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पर 6 वेदांग देखने को मिल रहे हैं, वेदांग जिनकी संख्या 6. देन वी हैव उपवेद. उपवेद वेद्स के साथ में एसोसिएटेड कुछ वेद्स हैं, कुछ लिटरेचर्स हैं एग्जैक्टली. स्मृतिस की अगर हम लोग बात करें, स्मृतिस की संख्या भी 6 है. दर्शन, इसको हम लोग हिंदी में फिलोसफी के नाम से जानते हैं. 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफीज, हम लोगों ने इनके बारे में बात करनी है. बेसिकली इनके फाउंडर्स के बारे में हम लोगों ने बात करनी है. पुराण्स की अगर हम लोग बात करें, वी हैव 18 पुराण, लाइक वी हैव शिव पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, भविष्य पुराण एटसेट्रा एटसेट्रा. यहाँ पर हम लोगों को उपनिषद देखने को मिल रहे हैं, जिनकी संख्या है 108. और यहां पर हम लोगों को अरण्यक देखने को मिल रहे हैं, जिनकी संख्या है 7. इसके अलावा हम लोगों को यहां पे 2 एपिक्स देखने को मिल रहे हैं. एपिक को हिंदी में हम लोग महाकाव्य के नाम से जानते हैं. सो द ओल्डेस्ट एपिक इज रामायण. ओल्डेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड इज रामायण एंड देन इट इज महाभारत. सो जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, डू कॉमेंट्स बिलो, रामायण वॉज रिटन बाय, रामायण के ऑथर कौन है, रामायण किसके द्वारा लिखी गई, और महाभारत के ऑथर कौन है, महाभारत किसके द्वारा लिखी गई थी. ठीक है, आप लोगों ने इन दोनों जो ऑथर्स हैं इनको मुझे कमेंट्स में बताने कि रामायण के ऑथर कौन है और महाभारत के ऑथर कौन है. ध्यान रखना, मैं कोई भी ऐसा सवाल नहीं पूछूंगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इररेलेवेंट हो. ठीक है, तो जो भी पूछूं, मेक श्योर कि अगर आप लोगों को आता है डू कॉमेंट्स बिलो. इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, मेजर जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, लगभग सभी, यह सबका सब संस्कृत लैंग्वेज में कंपाइल अप किए गए. और संस्कृत का जो ग्रामर था, जिसको हम लोग बोलते हैं अष्टाध्यायी, संस्कृत के ग्रामर को हम लोग अष्टाध्यायी के नाम से जानते हैं. ये जो अष्टाध्यायी है, यह महर्षि पाणिनि के द्वारा दिया गया था. ठीक है, अष्टाध्यायी वॉज गिवन बाय महर्षि पाणिनि. SSB पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये. सो मूविंग नेक्स्ट, वैदिक एज के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो वैदिक एज को हम लोग मेजरली 2 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, 2 हिस्सों में हम लोग इसको बाइफरकेट कर सकते हैं.
वन विच इज कॉल्ड एज अर्ली वैदिक पीरियड, जिसको हम लोग ऋग वैदिक पीरियड के नाम से भी जानते हैं, फ्रॉम 1500 BC टू 1000 BC इसका टाइम पीरियड रहा। एंड देन इट इज कॉल्ड एज लेटर वैदिक पीरियड, इसको हम लोग उत्तर वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं, उत्तर मतलब नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं, फ्रॉम 1000 टू 600 BC। ठीक है, तो कुल मिलाकर टाइम पीरियड वैदिक एज का हो गया 1500 टू 600 BC। वर्ड वेद की अगर हम लोग बात करें, इसका लिटरल मीनिंग होता है नॉलेज, और आर्यंस जिनका काफी बारी हम लोगों को इस पर्टिकुलर टॉपिक में नाम देखने को मिलेगा, इस वर्ड आर्यन का मतलब होता है सुपीरियर। डेफिनेटली आप लोगों ने ये वर्ड आर्यन सुना होगा। ये दोनों पॉइंट्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रेलिवेंट थे, इनफैक्ट इनके ऊपर क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे भी गए। आगे अगर हम लोग बात करें आर्यंस को लेकर, आर्यंस को लेकर कई सारी थ्योरीज हम लोगों को फॉर्मुलेटेड देखने को मिलती हैं, जैसे कि आर्यंस बाहर से आए थे। हालांकि कुछ इंडियन हिस्टोरियंस का ये मानना है कि आर्यंस कहीं बाहर से नहीं आए थे, वो भारत के नेटिव लोग ही थे। बट पॉपुलर बिलीफ में हम लोगों को जो थ्योरीज देखने को मिलती हैं, वो यही देखने को मिलती हैं दैट आर्यंस केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, दे हैव बीन माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। कब? 2000 BC टू 1500 BC, 2000 से 1500 BC के लगभग, एक साथ या फिर डिफरेंट वेव्स में, डिफरेंट टाइम पीरियड में, जो लगभग 500 साल का ये जो इतिहास रहा 2000 से लेकर 1500 BC, इस दौरान ये जो आर्यंस थे ये सेंट्रल एशिया से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में माइग्रेट हुए। बोगस कोई इंस्क्रिप्शन हम लोगों को देखने को मिलती है, क्वेश्चन पूछा गया हुआ। सो बोगस का इंस्क्रिप्शन हम लोगों को देखने को मिलती है, जहां पे हम लोगों को फोर वैदिक गॉड्स, लॉर्ड इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य के बारे में पढ़ने को मिलते। और अगर हम लोग बोगस के इंस्क्रिप्शन की बात करें, ये बेसिकली इंस्क्रिप्शन हम लोगों को माइनर एशिया में देखने को मिलती है, टर्की में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये इंस्क्रिप्शन कहां पे पाई गई? ये इंस्क्रिप्शन बेसिकली टर्की में पाई गई है, माइनर एशिया में पाई गई। ठीक है, ईरान भी कई बार ऑप्शन में दिया जाता है, बट एग्जैक्टली ये टर्की में पाई गई। So, किसके द्वारा यह थ्योरी दी गई थी कि आर्यन सेंट्रल एशिया से माइग्रेट हुए? तो ये थ्योरी देने वाले थे मैक्स म्यूलर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की बात करें, हु वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, आगे चलकर हम लोग बात करेंगे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का गरम दल था, उसके काफी पॉपुलर लीडर रहे बाल गंगाधर तिलक, उनके अकॉर्डिंगली आर्यन जो थे वो माइग्रेट हुए आर्कटिक रीजन से। आर्कटिक मतलब जो नॉर्थ पोल है उसको हम लोग आर्कटिक बोलते हैं, तो आर्कटिक रीजन से जो आर्यन थे वो भारत की तरफ या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो लोग माइग्रेट हुए। वहीं पे अगर हम लोग 19th सेंचुरी के एक काफी प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर की बात करें, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनके अकॉर्डिंगली आर्यन माइग्रेट हुए तिब्बत से। कहां से? तिब्बत से ये लोग माइग्रेट हुए। सो ये थ्योरीज काफी बारी पूछी जाती हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रेलिवेंट थी। सो किसी भी पॉइंट को मिस नहीं करना है, ध्यान देना। सो मूविंग नेक्स्ट, नंबर ऑफ वेद्स की संख्या है 4। ध्यान रखना, क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्टली पूछा जाता है, एन्यूमरेट, फिर दे देगा एन्यूमरेट वेद्स, या आप दे देगा एन्यूमरेट वेदांग, एन्यूमरेट आरण्यक, एन्यूमरेट पुराण या एन्यूमरेट उपनिषद। एन्यूमरेट मतलब कि उनकी संख्या कितनी है। ठीक है, तो वेद्स की अगर हम लोग बात करें तो वेद्स की संख्या है 4, वेदांग की संख्या है 6, वेदांग की संख्या है 6, स्मृति की भी संख्या है 6, आरण्यक उनकी संख्या है 7, पुराण इनकी संख्या है 18। इनमें से काफी सारी चीजों के बारे में आप लोग शायद जानते भी होंगे। उपनिषद जिनको हम लोग वेदांत के नाम से भी जानते हैं, इनकी संख्या है 108। वेद्स की अगर हम लोग बात करें, वेद का लिटरल मीनिंग तो था नॉलेज, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके। वेद्स को अपुरुषीय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपुरुषीय। और इस वर्ड अपुरुषीय का मतलब क्या होता है? Which is not created by mankind, man के द्वारा created नहीं है, but God gifted है। ठीक है, man ने नहीं दी,
लेकिन ये भगवान के द्वारा या ईश्वर के द्वारा दी गई है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें आरण्यक में, आरण्य ये जो वर्ड आरण्य है इसका मतलब होता है फॉरेस्ट, और आरण्यक का मतलब है फॉरेस्ट टेक्स्ट, एक ऐसा लिटरेचर, एक ऐसा टेक्स्ट जो कि जंगल में लिखा गया हो। ठीक है, पुराण, पुराण का मतलब होता है ओल्ड। पुराण में हम लोगों को भारत का इतिहास देखने को मिलता है, एक काफी रेलिवेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिलते हैं पुराण। वहीं पर अगर हम लोग बात करें उपनिषद में, उपनिषद जिनकी संख्या है 108, वेदांत के नाम से भी हम लोग जानते हैं, वेदों का पूरा निचोड़ हम लोगों को उपनिषद में देखने को मिलता है। वेद जिनकी संख्या है 4, उपनिषद जिनकी संख्या है 108। सो सभी उपनिषद में बृहदारण्यक उपनिषद ये सबसे पुराना उपनिषद है। क्या नाम था? बृहदारण्यक उपनिषद, यह सबसे पुराना उपनिषद है। और वहीं पे अगर हम लोग इंडियन जुडिशरी की टैगलाइन सत्यमेव जयते की बात करें तो ये एक उपनिषद जिसका नाम है मुंडक उपनिषद वहां से लिया गया। इसी स्लाइड में, इसी लेक्चर में हम लोग आगे चलकर बात करेंगे आश्रम व्यवस्था के बारे में, जहां पे हम लोगों को 4 सीरीज ऑफ लाइफ देखने को मिलती है। और ये कहां से हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लिया, ये हम लोगों ने ये हम लोगों को सबसे पहली बार देखने को मिलते हैं जबालो उपनिषद में। ठीक है, तो इन सबके बारे में आगे चलकर बात करते हैं। सो दीज आर वेद्स, दीज आर देयर उपवेद, देन वी हैव ब्राह्मण एसोसिएटेड विद दोज पर्टिकुलर और रेस्पेक्टिव वेद्स, एंड देन हिम्स रिसाइटेड बाय। सो ये जो चार्ट है, ये जो टेबल आप लोगों के सामने दिख रहे हैं, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और काफी बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेद्स सबसे पहला ऋग्वेद, इसको कलेक्शन ऑफ लिरिक्स के नाम से भी, और यू कैन से इसमें जो चीज दी गई है वो ये दी गई है। सामवेद बुक ऑफ चैंट्स है, यजुर्वेद बुक ऑफ सैक्रिफिशियल प्रेयर्स, अथर्ववेद बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूले। और इनके साथ में जो उपवेद एसोसिएटेड है ऋग्वेद के साथ में है आयुर्वेद, आयुर्वेद का मतलब मेडिसिन। और आयुर्वेद किसने दिया? आयुर्वेद देने वाले थे धन्वंतरी। ठीक है, किसने दिया था ये? धन्वंतरी। सामवेद, सामवेद के साथ में गंधर्व वेद जुड़ा हुआ है जो कि म्यूजिक को लेकर बात करते हैं। यजुर्वेद के साथ में जुड़ा हुआ उपवेद है धनुर्वेद जो कि आर्चरी, आर्चरी मतलब धनुर, धनुर मतलब धनुष बाण। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं, उस साइंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, वेपन्स के बारे में बात कर रहे हैं। और अथर्ववेद शिल्प वेद, शिल्प वेद जो कि एक उपवेद है, ये अथर्ववेद का एक पार्ट है। ठीक है, तो ब्राह्मण्स की अगर हम लोग बात करें, ऋग्वेद के साथ में एसोसिएटेड जो भी ब्राह्मण्स हैं वो थे ऐत्रेय, कौशिकी और सांख्यन। और यहाँ पे जो हिम्स थे, हिम्स मतलब मंत्र जो थे वो बोले जाते थे होत्र या होत्री के द्वारा, होत्र मतलब मेल, होत्री मतलब फीमेल। वहीं पे अगर हम लोग बात करें सामवेद के साथ में जुड़े हुए जो ब्राह्मण थे वो थे पंचविश, जैमिनीय, शतविंश और छंदयोग्य। जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पंचविश और जैमिनीय से पूछे जाते हैं कि ये ब्राह्मण किस वेद के साथ में एसोसिएटेड थे। इनके अलावा हिम्स, यहाँ की अगर हम लोग बात करें तो उद्गात्रा, उद्गाता जो कि मेल था, उद्गात्री मतलब फीमेल। यजुर्वेद की अगर हम लोग बात करें शतपथ ब्राह्मण इनके साथ में जुड़े हुए थे, इसके ऊपर काफी बारी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, तो ध्यान रखना पंचविश के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, जैमिनी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, ब्रह्मा और ब्रह्मी। ठीक है, ब्रह्मा वॉज मेल, ब्रह्मी वॉज फीमेल। अथर्ववेद के साथ में जुड़े हुए जो ब्राह्मण थे वो थे गोपथ ब्राह्मण और हिम्स वर रिसाइटेड बाय अध्वर्यु। तो ध्यान देना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज को मिस नहीं करना है। सी, यहाँ पे हम लोग मेल और फीमेल दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, जहां से हम लोगों को एक आइडिया मिल रहा है कि उस टाइम पे जो सोसाइटी थी वो कैसी रही होगी। कहने का मतलब ये कि मेल्स तो हमेशा से, मतलब डेफिनेटली फ्रॉम ए वेरी लॉन्ग पीरियड अगर हम लोग मेल्स की बात करें, इंटेलेक्चुअल यू नो जेंडर माना जा रहा है, बट यहाँ पे हम लोगों को फीमेल्स भी जो देखने को मिल रही हैं वो भी हम लोगों को काफी ज्यादा इंटेलिजेंट देखने को मिल रही हैं, क्योंकि वो वेद के जो मंत्र हैं उनका उच्चारण कर रही हैं, उनका जो सही मतलब है वो बता पा रही हैं। वैदिक एज की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, सो मेल और फीमेल
इररेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, वो दोनों के दोनों लोगों को वेद पढ़ने का अधिकार था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोल रहा हूँ कि मेल और फीमेल इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर दोनों को वेद पढ़ने का अधिकार था। ठीक है, सो मूविंग नेक्स्ट। सो यहां पर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा वेद में क्या क्या चीजें दी गई हैं। ऋग्वेद की अगर हम लोग बात करें, जितने भी वेद हैं वो सब के सब संस्कृत लैंग्वेज में कंपाइल किए गए, जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था। और संस्कृत का जो ग्रामर था, जिसको हम लोग बोलते हैं अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी किसके द्वारा दिया गया? ये महर्षि पाणिनि के द्वारा दिया गया था। ठीक है, पहली स्लाइड में हम लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी बात की हुई है। सो यहां पे अगर हम लोग बात करें सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में, तो ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट नोन टू मैनकाइंड। ठीक है, इंसान को, इंसान जिस टेक्स्ट को, जिस सबसे पुराने टेक्स्ट को इस दुनिया में जानते हैं वो ऋग्वेद है, जो कि संस्कृत लैंग्वेज में कंपाइल किया गया। इसको फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड भी बोलते हैं। और ये पूरा का पूरा जो ऋग्वेद है, इसमें हम लोगों को 10 मंडल देखने को मिलते हैं, 1028 सूक्त देखने को मिलते हैं, या हिम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, हिंदी में हम लोग भी इसको लिखते हैं सूक्त। क्वेश्चन पूछा गया होगा इसके ऊपर। ठीक है, 10 मंडलों के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया होगा। सो यहां पे अगर हम लोग 10 मंडल को डिवाइड करें, स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड मंडल टिल अप टू सेवेंथ मंडल, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स एंड सेवेंथ। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 6 मंडल हुए। सो स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड मंडल टिल अप टू सेवेंथ मंडल, जो 6 मंडल हैं, इनको हम लोग गोत्र या वंश भी बोलते हैं, और यही सबसे पुराने मंडल भी थे। इसके अलावा अगर हम लोग फर्स्ट और टेंथ मंडल की बात करें, ये काफी आगे चलकर एड किए गए थे, दे हैव बीन एडेड लेटर। टेंथ मंडल की अगर हम लोग बात करें, तो टेंथ मंडल टॉक्स अबाउट पुरुष सूक्त। ठीक है, और पुरुष सूक्त किसके बारे में बात करता है? पुरुष सूक्त चार वर्ण व्यवस्था के बारे में बात करता है, चार वर्णों के बारे में बात कर रहा है। और कौन कौन से चार वर्ण हम लोगों को सोसाइटी में देखने को मिलते हैं? देवर ब्राह्मण, देवर क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। इनके बारे में आगे चलकर बात करेंगे। सो गायत्री मंत्र की अगर हम लोग बात करें, तो गायत्री मंत्र हैव बीन मेंशन इन ऋग्वेद बाय ऋषि विश्वामित्र। एंड यहाँ पे हम लोगों को देवी सावित्री का एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। हालांकि गायत्री मंत्र में वर्शिपिंग जो हो रही है वो कई सारे देवी देवताओं के हो रही है। ऋग्वेद की अगर हम लोग बात करें, इसका पर्शियन लिटरेचर जो कि जेंडा वेस्टा है, पर्शियंस, ठीक है, पारसी लोग जो है उनका जो लिटरेचर है जेंडा वेस्टा, उसके साथ में हम लोगों को ऋग्वेद की काफी ज्यादा सिमिलरिटीज देखने को मिलते हैं। पर्शिया आज के टाइम पे जो ईरान इराक वाला एरिया है उसको हम लोग पुराने समय में पर्शिया के नाम से जानते थे। तो पर्शियंस जो लोग हैं उनका जो लिटरेचर है, उनका जो एंशियंट टेक्स्ट है जेंडा वेस्टा, उसके साथ में ऋग्वेद की काफी ज्यादा सिमिलरिटीज हम लोगों को देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब जिस तरीके से चीजें यहाँ पे परफॉर्म हो रही होंगी, शायद उसी तरीके से चीजें पर्शिया में भी उसी टाइम पीरियड में परफॉर्म हो रही होंगी, दैट्स व्हाई दे आर सिमिलर। ठीक है, सो इट कैन बी ए पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट इज अवर सामवेद। सामवेद की अगर हम लोग बात करें, इट इज कंसिडर्ड एज दी बुक ऑफ ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक। भारतीय संगीत की उत्पत्ति का जो वेद है वो है सामवेद। यजुर्वेद की अगर हम लोग बात करें, इसमें हम लोगों को दो पार्ट्स देखने को मिलते हैं, वन इज कृष्ण यजुर्वेद एंड वन इज शुक्ल यजुर्वेद, जहां पे हम लोगों को प्रोस एंड पोएट्री देखने को मिल रही है। ठीक है, प्रोस एज वेल एज पोएट्री। ठीक है, सो मूविंग नेक्स्ट। सो दीज आर द सिक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसॉफी नोन एज षड दर्शन। षड मतलब सिक्स, ठीक है, षड दर्शन। दर्शन को हम लोग फिलोसफी भी बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग इसको फिलोसफी बोलते हैं। दर्शन का मतलब है फिलोसफी। तो कौन सी फिलोसफी किसके द्वारा दी गई, इसके बारे में हम लोगों ने बात करनी है। कपिल मुनि की अगर हम लोग बात करें, तो कपिल मुनि के द्वारा दिया गया सांख्य। योग सूत्र की अगर हम लोग बात करें, तो इनके ये दिया गया महर्षि पतंजलि के द्वारा। न्याय सूत्र की अगर हम लोग बात करें, तो ये गौतम ऋषि के द्वारा दिया गया। वैशिष्टिका की अगर हम लोग बात करें, तो ये कणाद के द्वारा दिया गया। पूर्व मीमांसा दिया गया जैमिनी के द्वारा, और उत्तर मीमांसा दिया गया बद्रायण के द्वारा। ठीक है, बद्रायण। सो दीज आर द फेमस
सिक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी ऑल्सो नोन एज षड दर्शन. षड दर्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि छह स्कूल्स हैं. ठीक है, तो ध्यान रखना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये. काफी बारी जेकेएसएसबी में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो किसी भी चीज को मिस मत करना. सो फर्दर मूविंग नेक्स्ट, सो दीज आर द ऋग्वेदिक पीरियड जो कि 1500 टू 1000 बीसी तक चला. ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी बात की थी कि अर्ली वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड रहा 1500 टू 1000 बीसी. यहां पे हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज सप्त सिंधु. सप्त सिंधु की अगर हम लोग बात करें, इन अब ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को कैसे देखने को मिल रहा है इसके बारे में बात करते हैं. ये जो टेबल है यहां पे हम लोगों ने इस बारे में बात की है कि आज के टाइम पे हम लोगों को जो रिवर देखने को मिलते हैं लाइक रिवर इंदस, झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी एंड सुतलज, इनके जो एंशियंट ऋग्वेदिक नेम है ये कौन कौन से. सी इंदस की अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग सिंधु के नाम से भी जानते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है इंडियन सिविलाइजेशन के लिए. इंदस वैली सिविलाइजेशन के बारे में तो हम लोग ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं. झेलम की अगर हम लोग बात करें, हम लोग इसका ऋग्वेदिक नेम वितस्ता के नाम से जानते हैं. ऋग्वेद में झेलम नदी को वितस्ता के नाम से जाना गया है. आप लोग मुझे इस चीज का जवाब दो, डू कॉमेंट्स बिलो, कि झेलम का कश्मीरी नेम क्या है. ठीक है, इसको हम लोग कश्मीर में किस नाम से जानते हैं. जी बताइए फटाफट से कमेंट्स करके बताइए कि झेलम को हम लोग कश्मीरी लैंग्वेज में किस नाम से जानते हैं. तो कश्मीरी लैंग्वेज में हम लोग इसको वियत के नाम से जानते हैं. किस नाम से जानते हैं, वियत के नाम से जानते हैं हम लोग इसको कश्मीरी में. ठीक है, वही अगर हम लोग बात करें ग्रीक लैंग्वेज की, तो ग्रीक लैंग्वेज में हम लोग झेलम को किस नाम से जानते हैं. तो ग्रीक लैंग्वेज में हम लोग झेलम को जानते हैं हाइडेस्पस के नाम से. किस नाम से, हाइडेस्पस के नाम से हम लोग इसको ग्रीक लैंग्वेज में जानते हैं. हाइडेस्पस का नाम हम लोगों को आगे चलकर एक बार फिर देखने को मिलेगा जब हम लोग बात करेंगे अलेक्जेंडर के बारे में. 326 ईसा पूर्व में लड़ी गई, 326 बीसी में लड़ी गई बैटल ऑफ हाइडेस्पस या बैटल ऑफ झेलम के बारे में. ठीक है, तो हाइडेस्पस जो वर्ड हम लोगों को देखने को मिल रहा है ये ग्रीक लैंग्वेज का देखने को मिल रहा है, जो कि रिवर झेलम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. ठीक है, तो झेलम को ऋग्वेद में वितस्ता के नाम से जाना गया. चिनाब की अगर हम लोग बात करें तो इसको आसिकनी के नाम से जाना जाता है, और इसको हम लोग चंद्रभागा के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, क्योंकि दो नदियां चंद्र और नदी भागा, दो रिवर्स चंद्र एंड भागा, दे ओरिजिनेट एंड दे मीट एट केलोंग, वहां पर केलोंग हिमाचल में ये मिलती हैं, और वहीं से ये कहलाती है चंद्रभागा. और जम्मू कश्मीर में हम लोग इसको चिनाब के नाम से जानते हैं. ठीक है, ऋग्वेद में हम लोग इसको आसिकनी के नाम से जानते हैं. ब्यास रिवर की अगर हम लोग बात करें, विपाशा के नाम से हम लोग इसको जानते हैं ऋग्वेद में. रावी को ऋग्वेद में कहा गया परुशिनी, और सुतलज जिसका ओरिजिन है लेक रकास, ठीक है, इसको ऋग्वेद में सुतुधरी के नाम से जाना गया. ठीक है, ये कौन से पास से भारत में आती है, ये शिपकिला पास को क्रॉस करती हुई भारत में प्रवेश करती है, शिपकिला पास जो कि हिमाचल प्रदेश में. ठीक है, इंदस की अगर हम लोग बात करें तो इसका ओरिजिन है लेक मानसरोवर. बाकी जियोग्राफी में कवर अप कर लेंगे. ठीक है, ठीक है, सो फर्दर मूविंग नेक्स्ट. सो दिस इज द पॉलिटी ऑफ अर्ली वैदिक एज, जहां पे अगर हम लोग सोसाइटी की बात करें, सोसाइटी वॉज डिवाइडेड किस किस में. सोसाइटी का जो सबसे छोटा यूनिट था इट वॉज कॉल्ड एज कुल. नंबर ऑफ कुल वर कंबाइंड टू फॉर्म ग्राम. नंबर ऑफ ग्राम वर कंबाइंड टू फॉर्म विश. नंबर ऑफ विश वर कंबाइंड टू फॉर्म जन. नंबर ऑफ जन वर कंबाइंड टू फॉर्म राष्ट्र. कुल जो कि सबसे छोटा यूनिट था सोसाइटी का, और आज भी अगर हम लोग सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, फैमिली. और कई सारी फैमिली अगर एक ही जगह पे इकट्ठी हो जाएं तो वो बनाती हैं क्या, एक गांव. और उसके बाद में हम लोगों को क्लैन देखने को मिलती है, और फिर जन जिनको हम लोग भी बोलते हैं, जन मतलब पीपल और राष्ट्र मतलब कंट्री. कुल का जो हेड था उसको हम लोग कुलपा के नाम से जानते थे.
ग्राम का जो हेड था उसको हम लोग ग्रामणी के नाम से जानते थे। विश वॉज हेडेड बाय विशपति, जन वॉज हेडेड बाय गोपा और गोपति, एंड राष्ट्र वॉज हेडेड बाय राजन। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहां से, ठीक है। इसी टॉपिक में हम लोग आगे चलकर बात करेंगे दैट जन बिकेम जनपद एंड देन जनपद बिकेम महाजनपद, ठीक है। और हम लोगों को भारत राष्ट्र में, भारत की अगर हम लोग बात करें तो मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो भारत की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को 16 महाजनपदों का कॉन्सेप्ट देखने को मिलते, ठीक है। आगे चलकर हम लोग बात करेंगे कि वो 16 महाजनपद कौन कौन से थे, कौन से सोर्स से हम लोगों को ये पता चलता है कि एंशिएंट इंडिया में 16 महाजनपद थे, और आज के टाइम पे उनकी एग्जैक्ट लोकेशंस, लगभग अप्रोक्सीमेट लोकेशंस कौन कौन सी हैं, और उन 16 महाजनपदों की कैपिटल्स कौन कौन सी थी, इन्हीं सब के बारे में हम लोग आगे चलकर बात करेंगे, ठीक है। सो हेयर इज द बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राजन वॉर भी इसको बोलते हैं, 10 मतलब 10, राजन मतलब किंग्स, और 10 जो किंग्स थे उन्होंने लड़ाई लड़ी एक किंग के खिलाफ। वो 10 किंग कौन कौन सी स्टेट से थे, वो थे पुरु के, यदु के, तुर्वासा के, अणु के, द्रुहयु के, इसके साथ ही में उनके साथ में और जो 5 थे वो थे अलीनाज, पख्ताज, भालंस सीबी और विशानींस। और इन 10 किंग्स के अगेंस्ट में जो किंग थे वो भरत ट्राइब के किंग थे, भरत किंग, भरत ट्राइब के किंग थे, भरत कबीले का नाम है, भरत किंग, जिनका नाम था सुदस, ठीक है, राजा का नाम था सुदस, लड़ाई लड़ेगी परुशनी नदी के किनारे, और इसमें जो राजा सुदस थे जो कि भरत ट्राइब के थे, ही गॉट विक्टोरियस, उसने इन 10 किंग को हरा दिया, जैसा कि आप लोग इस बैटल में देख भी सकते हैं, है ना। रेफरेंस के लिए मैंने ये दिए। सो इन द बैटल ऑफ 10 राजन दैट वॉज फॉट ऑन द बैंक ऑफ रिवर परुशनी, परुशनी किसका ऋग्वेद दिखने में, ये आज के टाइम पे रिवर रावी का ऋग्वेद दिखने में, और इस बैटल में जो किंग सुदस थे जो कि भरत ट्राइब के थे उनकी विजय होती है, वो जीत जाते हैं, इन 10 राजाओं को वो हरा देते हैं, ठीक है। इसका रेफरेंस हम लोगों को ऋग्वेद में देखने को मिलता है। सो फर्दर मूविंग नेक्स्ट, सो सोसाइटी की अगर हम लोग बात करें, ऋग्वेद में हम लोगों को सोसाइटी में असेंबलीज का एक रेफरेंस देखने को मिलते, सभा, समिति, विदथ और गण। ऋग्वेद में अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है, वर्ण व्यवस्था कौन से मंडल में बात की जाती है, ये 10th मंडल इसके बारे में बात कर रहे हैं, ऋग्वेद का 10th मंडल इसके बारे में बात करते हैं, और 10th मंडल किसके बारे में बेसिकली बात कर रहे हैं, 10th मंडल में पुरुष सूक्त दिया गया हुआ है, ठीक है, क्या दिया गया हुआ है, पुरुष सूक्त दिया गया हुआ है, और इस पुरुष सूक्त से हम लोगों को चार वर्ण व्यवस्था के बारे में देखने को मिलते हैं, और जो चार वर्ण सोसाइटी को चलाने के लिए अनिवार्य थे वो थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश और शूद्र। सो ब्राह्मण की अगर हम लोग बात करें देवर द टीचर्स और द प्रीस्ट, क्षत्रिय की अगर हम लोग बात करें देवर द रूलर्स और द एडमिनिस्ट्रेटर्स, वैश की अगर हम लोग बात करें देवर द फार्मर्स और मर्चेंट्स और बैंकर्स, शूद्र की अगर हम लोग बात करें देवर द आर्टिसंस और लेबरर्स। सो ऋग्वैदिक एज में जो सोसाइटी थी इट वॉज बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन और यू कैन से वर्क ऑफ एन इंडिविजुअल। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिलते हैं, उस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि जो ऋग्वैदिक सोसाइटी थी और जो आज की सोसाइटी है इसके बीच में एक डिफरेंस हम लोगों को देखने को मिलता है। ऋग्वैदिक जो सोसाइटी थी वो तो ऑक्यूपेशन बेस्ड थी, लेकिन आज की जो सोसाइटी है वो निम्नलिखित में से किसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो आज की मॉडर्न एरा की अगर हम लोग बात करें तो ये बर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल के ऊपर बेस्ड है, एक व्यक्ति के जन्म लेने से पहले ही निर्धारित हो जाता है कि वो किस वर्ण में जन्म लेने वाला है, वो किस कास्ट में जन्म लेने वाला है, ठीक है। आज की अगर हम लोग बात करें तो आज की अगर हम लोग बात करें तो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही कहलाएगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय कहलाता है, वैश्य का बेटा वैश्य कहलाता है, और शूद्र का बेटा शूद्र ही कहलाता है। बट थिंग्स वर नॉट एज सेम एज इन द वैदिक एज। वैदिक एज में हम लोगों को ये संदर्भ देखने को नहीं मिलता, वहां पे हम लोगों को ये चीज देखने को मिलती थी कि एक व्यक्ति अगर टीचर है तभी उसको ब्राह्मण कहा जा सकता था। सो इट कैन बी ए पॉसिबिलिटी कि ब्राह्मण का कोई एक बेटा हो जो लोगों की रक्षा कर रहा है और उसको हम लोग क्षत्रिय के नाम से जानते हो,
ब्राह्मण का कोई एक बेटा हो जो धन उत्सर्जन कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, उसको हम लोग वैश के नाम से जाने, ठीक है। सो इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि ब्राह्मण के कई सारे बेटे हो, उनमें से कोई क्षत्रिय हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई वैश हो, और उसी फैमिली में कोई शूद्र भी हो, ठीक है। लेकिन अगर शूद्र अपना ऑक्यूपेशन चेंज कर ले, ठीक है, अपना ऑक्यूपेशन चेंज कर ले, सो उसकी जो जाति थी वो भी बदली जा सकती थी। शूद्र कैन बी ए वैश, ही कैन बी ए क्षत्रिय, ही कैन बी ए ब्राह्मण आफ्टर चेंजिंग हिज ऑक्यूपेशन, ठीक है। सो द सोसाइटी ड्यूरिंग वैदिक एज वॉज नॉट अ बर्थ बेस्ड सोसाइटी बट इट वॉज वर्क बेस्ड सोसाइटी, क्लियर है, ठीक है। कौ की अगर हम लोग बात करें, वैदिक एज में हम लोगों को गाय जो देखने को मिलती है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान देखने को मिलता है, उसका एक सिग्निफिकेंट प्लेस देखने को मिलती है, और ये अघन्या थी, इसको मारा नहीं जा सकता था, ठीक है, कौ को नहीं मारा जा सकता था। और अगर कोई भी व्यक्ति गाय हत्या, गो हत्या किया करता था वैदिक एज में, उसका जो दंड को लेकर प्रावधान था, जो उसकी पनिशमेंट थी, वो डेथ पेनल्टी ही थी, ठीक है, या तो डेथ पेनल्टी हो जाएगी या तो उसको राज्य छोड़कर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वैदिक एज में हम लोगों को गो हत्या देखने को नहीं मिलती थी। रीजन की अगर हम लोग बात करें वैदिक एज में, तो करीब करीब 33 गॉड्स वर देयर, ठीक है, जिनके लोग पूजा किया करते थे। इनमें से कई जो गॉड्स थे वो नेचर को डिफाइन कर रहे हैं, कई सारे जो गॉड्स हैं वो टेरिस्ट्रियल चीजों को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, कई सारे जो गॉड्स हैं वो सेलेस्ट्रियल चीजों को डिफाइन कर रहे हैं, एटसेट्रा। तो यहाँ पे हम लोगों को जो पॉपुलर डेटीज देखने को मिल रहे थे, ध्यान रखना टॉपिक चल रहा है अर्ली वैदिक एज का, ठीक है। तो अर्ली वैदिक एज में जो हम लोगों को पॉपुलर डेटीज देखने को मिल रहे थे वो देखने को मिल रहे थे इंद्र, अग्नि और वरुण। इंद्र की अगर हम लोग बात करें, इनको हम लोग डस्ट, इनको हम लोग गॉड ऑफ रेन के नाम से भी जानते हैं, इनको हम लोग पुरंदर के नाम से भी जानते हैं, और पुरंदर का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट। इंद्र, अग्नि और वरुण में जो सबसे इंपॉर्टेंट गॉड रहे वो इंद्र ही रहे, जिनका ऋग्वेद में 250 times हम लोगों को रेफरेंस देखने को मिलते हैं। अग्नि की अगर हम लोग बात करें, इनको गॉड ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं, अग्नि के देवता, है ना, और ये इंद्र के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट गॉड है वो अग्नि ही है, ठीक है, ऋग्वेदिक एज में, अर्ली ऋग्वेदिक एज में। और ऋग्वेद में हम लोगों को 200 रेफरेंस देखने को मिलते हैं लॉर्ड अग्नि का, और उस टाइम पीरियड में इट वॉज कंसिडर्ड टू बी द इंटरमीडियरी बिटवीन मैन एंड गॉड, एक इंसान और ईश्वर के बीच का इंटरमीडिएटर कंसिडर किया जाता था, किसको, अग्नि को, ठीक है। आज भी हम लोग देखते हैं, या जो यू नो जो लास्ट क्रीमेशन राइट्स होते हैं, ठीक है, अगर एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जो अंत्येष्टि होती है, ठीक है, जो उसको जो उसकी फाइनल क्रीमेशन होती है, उसमें हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है जो कि एक काफी पॉपुलर बिलीफ है एक मेजोरिटी लोगों का, कि जो डेड बॉडी होती है उसको अग्नि के हवाले कर दिया जाता है, ठीक है। अब अग्नि के हवाले उसको क्यों कर रहे हैं, ताकि जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसका मिलन गॉड से हो जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। देन इट वॉज वरुण, अग्नि के बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गॉड है वो है वरुण, जो कि जल के देवते हैं, गॉड ऑफ वाटर थे, ठीक है। सो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो था अर्ली वैदिक पीरियड, और अभी जो हम लोग बात करेंगे वो करेंगे लेटर वैदिक पीरियड के बारे में, उत्तर वैदिक काल के बारे में, जो कि लगभग 400 साल तक रहा, 1000 बीसी से 600 बीसी, ये टाइम पीरियड हम लोगों को देखने को मिलता है लेटर वैदिक पीरियड का। ज्योग्राफिकल एरिया की अगर हम लोग बात करें, सी इंडिया का अगर मैं थोड़ा सा रफ मैप ड्रॉ करने की कोशिश करूं, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, आई नो कि ये मैप काफी इरेलेवेंट है, बट ठीक है, समझाने के लिए ठीक है। तो नॉर्दर्न इंडिया की अगर हम लोग बात करें, लगभग नॉर्दर्न इंडिया की अगर हम लोग बात करें, इट वॉज आर्यव्रत। सेंट्रल इंडिया की अगर हम लोग बात करें, इट वॉज मध्य देश, और दक्षिण पथ ये था साउदर्न इंडिया, ठीक है। सोसाइटी की अगर हम लोग बात करें, हम लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों को 4 आश्रम व्यवस्था देखने को मिल रही है। और 4 आश्रम कौन कौन से थे, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज ब्रह्मचार्य, देन इट वॉज गृहस्थ, देन इट वॉज वानप्रस्थ, एंड देन इट वॉज संन्यास।
तो ब्रह्मचर्य की अगर हम लोग बात करें, एक इंसान के जन्म से लेकर 25 साल तक की जो आयु थी उसमें जो इंडिविजुअल है वो जो उसका लर्निंग फेज था वो था, ठीक है, जब वो गुरुकुल में जाता है और पढ़ाई करता है, चीजों को सीखता है, लर्निंग फेज है उसका, वेदों को सीखता है एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उस टाइम पीरियड में उसको ब्रह्मचार्य के नियमों का पालन करना होता था, जो कि बहुत कठोर नियम अपने आप में थे, ठीक है। जब ये पूरा का पूरा जो ज्ञान है उसको अर्जित कर लेता था तो सोसाइटी के प्रति उसकी एक जिम्मेदारी होती थी। 25 साल की आयु के बाद में 26 से लेकर 50 तक की जो आयु व्यवस्था थी, ठीक है, 26 से लेकर 50 साल तक, ठीक है, कहने का मतलब जो नेक्स्ट 25 ईयर्स थे उसमें वो अपना घर बसा सकता था, ठीक है, उसमें वो अपना घर बसा सकता था, मैरिज परफॉर्म कर सकता था, और जो मैरिज की ड्यूटीज होती हैं उनको वो मेंटेन करेगा, उनको वो परफॉर्म करेगा। अपनी नेक्स्ट जनरेशन के प्रति उसकी कुछ जिम्मेदारियां थी, जो जिम्मेदारियां वो गृहस्थ जीवन में रहते हुए निभा सकता था, ठीक है। तो गृहस्थ अगले 25 साल तक रहेगा, 50 साल से 75 साल, ठीक है, 51 से 75 ईयर्स, कहने का मतलब नेक्स्ट गृहस्थ के नेक्स्ट 25 ईयर्स में हम लोगों को वानप्रस्थ आश्रम देखने को मिल रहा है। जब एक जो व्यक्ति है वो रिटायर हो जाता है, ठीक है, और अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को हैंड ओवर कर देते हैं। इसके बाद में हम लोगों को संन्यास देखने को मिलते हैं वानप्रस्थ के अगले 25 साल, ठीक है, वानप्रस्थ कंप्लीट होने के अगले 25 साल जो व्यक्ति है वो एसेटिक स्टेज, सन्यासी की स्टेज में पहुंच जाता है, ठीक है, और जो भी मटेरियलिस्टिक डिजायर्स होती हैं, जो भी सांसारिक व्यवस्थाएं होती हैं, सांसारिक जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उनका वो पूरी तरीके से परित्याग कर देते हैं। सो दीज आर दी फोर स्टेजेस ऑफ लाइफ एज इन जबालो उपनिषद। फोर आश्रम की जो व्यवस्था थी यह हम लोगों को कौन से उपनिषद का कॉन्सेप्ट देखने को मिलती है, यह हम लोगों को जबालो उपनिषद में देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पहले बात की हुई। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हम लोगों को 16 संस्कार देखने को मिल रहे हैं। सोसाइटी में 16 संस्कारों का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और संस्कार कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज गर्भाधान, देन कम्स पुंसवन, देन कम्स सीमंत नोयन, देन कम्स जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्न पराशन, चूड़ाकरण। चूड़ाकरण को हम लोग मुंडन सेरेमनी के नाम से भी जानते हैं, काफी पॉपुलर है। देन कम्स कर्ण वेदन, कान को भेदना। आप लोगों ने डेफिनेटली देखा होगा कि जो पुराने जो ओल्ड एज पर्सन हैं, ठीक है, स्पेशली अगर हम लोग थोड़ा सा नॉर्थ इंडिया की तरफ अप्रोच करें, लाइक इन हरियाणा, लाइक इन राजस्थान और इवन इन यूपी, कई सारे आप लोगों को ओल्ड एज पर्सन देखने को मिल जाएंगे जिनका जो कान होता है, मेल्स की बात कर रहा हूँ, जिनका जो कान होता था वो सिला हुआ होता था, कान में उन्होंने कोई ना कोई बाली पहनी होती थी, और वो क्यों पहनी होती थी, वो स्टाइल के लिए नहीं थी, वो कर्ण वेद संस्कार के कारण पहनी होती थी, ठीक है। देन कम्स उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार में हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो चाइल्ड था उसका यज्ञोपवीत हुआ करता था, ठीक है, यज्ञोपवीत उसको पहनाया जाता था, ठीक है, और इसके बाद से उसका जो वेदारंभ होता था वो शुरू हो जाता था, जो वेद पढ़ने का जो जो उसका टाइम पीरियड था वो यज्ञोपवीत संस्कार के बाद में शुरू होता था। देन कम्स समावर्तन, देन कम्स विवाह। विवाह मतलब गृहस्थ में आ चुका है वो, ठीक है, ब्रह्मचारी यहां तक उसने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, तो अब वो गृहस्थ में आ गया। गृहस्थ के बाद में वानप्रस्थ, जैसा कि हम लोगों ने यहां पर देखा। देन कम्स संन्यास, संन्यास जैसा कि हम लोगों ने यहां पर देखा, ठीक है। देन कम्स अंत्येष्टि, अंत्येष्टि मतलब व्यक्ति की डेथ हो चुकी है और उसके जो लास्ट क्रीमेशन राइट्स हैं, जहां पे हम लोगों ने ये बात की कि उसको अग्नि के हवाले कर दिया जाता है एज पर पॉपुलर बिलीफ, ठीक है, तो उसकी अंत्येष्टि हो रही है, ठीक है। सो दीज आर दी 16 संस्कार जो कि हम लोगों को लेटर वैदिक पीरियड में भी देखने को मिलते हैं एंड दे आर राइट नाउ स्टिल इन द सोसाइटी, ठीक है, आज भी ये परफॉर्म हो रहे हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें हम लोगों को इस टाइम पीरियड में जो रिलीजन देखने को मिलते हैं, रीजन में हम लोगों को जो गॉड्स देखने को मिल रहे हैं वो थोड़े से डिफरेंट आप देखने को मिल रहे हैं। अर्ली वैदिक में हम लोगों ने 3 गॉड्स के बारे में बात की, इंद्र, अग्नि और वरुण। लेटर वैदिक में हम लोगों को जो गॉड्स देखने को मिल रहे हैं वो देखने को मिल रहे हैं प्रजापति, विष्णु एंड रुद्र।
प्रजापति जो कि क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स भी है, और इनको हम लोग ब्रह्मा के नाम से भी जानते हैं। विष्णु हु इज ए पैटर्न गॉड ऑफ आर्यंस, और रुद्र गॉड ऑफ एनिमल्स हैं, और इनको हम लोग शिव या महेश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सो टाइप ऑफ यज्ञ की अगर हम लोग बात करें, जो यज्ञ परफॉर्म होते थे लेटर वैदिक पीरियड में वो हुआ करते थे चार प्रकार के, लाइक राजसूय यज्ञ, जहां पे हम लोगों को कोरोनेशन देखने को मिल रहा है। कोरोनेशन मतलब राज्यभिषेक, जो प्रिंस था उसका राज्यभिषेक हुआ करता था इस दौरान। अश्वमेध यज्ञ, ये टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए परफॉर्म किया जाता था। देन कम्स वाजपेय यज्ञ, देन कम्स अग्निस्तोमा यज्ञ। ठीक है, सो यहां पर इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि यज्ञ परफॉर्म हो रहे। ठीक है, सो फर्दर मूविंग नेक्स्ट, सो दीज आर दी 16 महाजनपद, जिसका कॉन्सेप्ट हम लोगों को कहां से देखने को मिल रहा है, इसका कॉन्सेप्ट हम लोगों को कुछ बुद्धिस्ट लिटरेचर्स और कुछ जैन लिटरेचर से देखने को मिल रहा है। ठीक है, कौन कौन से बुद्धिस्ट लिटरेचर्स या जैन लिटरेचर्स, इसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में आगे चलकर बात करते हैं। पहले ये देखते हैं कि कौन कौन से 16 महाजनपद थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अंग। ठीक है, अंग एक महाजनपद था, ये आज की स्टेट ऑफ बिहार में मुंगेर और डिस्ट्रिक्ट भागलपुर का जो एरिया है वहां पर हुआ करता था, वो वाला जो एरिया है वो था अंग का, जिसकी कैपिटल हुआ करती थी चंपा या चंपा नगरी के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। देन कम्स द महाजनपद ऑफ मगध। ठीक है, मगध आज के बिहार में डिस्ट्रिक्ट पटना, गया और नालंदा का जो एरिया है उसको मिलाकर बनता था, जिसकी कैपिटल डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट रही। और कौन कौन सी रही कैपिटल्स मगध की, रही गिरिराज, राजगृह, इसको राजगीर के नाम से भी जानते हैं, पाटलिपुत्र, वैशाली, और फिर पाटलिपुत्र इसकी कैपिटल रही। ठीक है, आगे चलकर हम लोग हिस्ट्री में बाकी इन सब के बारे में बात करेंगे। हम लोगों ने बेसिकली हम लोगों ने मगध के बारे में ही बात करनी है। ठीक है, देन कम्स द महाजनपद ऑफ वजी, ये मुजफ्फरपुर, वैशाली, जो कि बिहार में, ठीक है, ये वो वाला एरिया है जिसकी कैपिटल डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड में रही, विदेहा, मिथिला और वैशाली। देन कम्स द महाजनपद ऑफ मल्ल, ये यूपी के एरियाज देवरिया, बस्ती और गोरखपुर जो एरियाज हैं उनको मिलाकर बनता था मल्ल, जिसकी कैपिटल डिफरेंट टाइम पीरियड में रही कुशीनगर और पावा। ध्यान रखना ये दोनों जो सिटीज हैं इनका रेफरेंस हम लोगों को जस्ट नेक्स्ट टॉपिक बुद्धिज्म और जैनिज्म का जो टॉपिक है उसमें भी हम लोगों को इन दोनों सिटीज के बारे में देखने को मिलते हैं। ठीक है, देन कम्स द प्रोमिनेंट महाजनपद ऑफ काशी, ठीक है, जो कि आज के यूपी के वाराणसी में, ठीक है, वाराणसी का एंशियंट नेम बेसिकली काशी है और इसकी कैपिटल वाराणसी ही थी। यहां पे हम लोगों को काफी फेमस एक ज्योतिर्लिंग देखने को मिलता है, काशी विश्वनाथ टेम्पल। ठीक है, इस दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज में से एक मानी जाती है वाराणसी। देन कम्स द महाजनपद ऑफ कौशल, आज के यूपी के फैजाबाद, गोंडा और बहराइच, ये वाला जो रीजन है ये कौशल महाजनपद हुआ करता था, जिसकी कैपिटल डिफरेंट टाइम पीरियड में श्रावस्ती भी रही और अयोध्या भी रही। श्रावस्ती अगेन ये हम लोगों को बुद्धिज्म में एक इंपॉर्टेंट सिटी देखने को मिलती है। देन कम्स द महाजनपद ऑफ वत्स, जो कि आज के यूपी के प्रयागराज, जो कि जिसका पुराना नाम था इलाहाबाद, मिर्जापुर, ये वाला जो एरिया है वो वाला एरिया कहलाता था वत्स, और इसकी कैपिटल थी कौशाम्बी। देन कम्स द महाजनपद ऑफ छेडी, ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड वाला जो एरिया है उसको कहा जाता था, और डिफरेंट टाइम पीरियड में इसकी कैपिटल रही शक्तिमती और सोतहीवती। देन कम्स द महाजनपद ऑफ कुरु, ये आज के दिल्ली और हरियाणा, ये वाला जो एरिया है ये था कुरु, जिसकी कैपिटल थी इंद्रप्रस्थ। आज के टाइम पे भी आप लोगों को दिल्ली में इंद्रप्रस्थ नाम की जो जगह है वो देखने को मिल जाएगी, मेट्रो स्टेशन भी है वहां पर। ठीक है, देन कम्स द महाजनपद ऑफ पांचाल, ये वेस्टर्न यूपी में रोहिलखंड के जो प्लेन्स है वो वाला एरिया था, जिसकी कैपिटल थी अहिछत्र और कांपिल्य। देन कम्स द महाजनपद ऑफ शूरसेन,
ये ब्रजमंडल वाला जो एरिया है यूपी का, वो वाला एरिया है, कैपिटल थी इसकी मथुरा। देन कम्स द महाजनपद ऑफ मत्स्य, मत्स्य देश, अलवर, भरतपुर, जयपुर, जो राजस्थान के एरिया है, वो वाला एरिया था मत्स्य का, जिसकी कैपिटल थी विराटनगर। देन कम्स द महाजनपद ऑफ अवंती, ये मालवा रीजन है, जिसकी कैपिटल थी उज्जैनी और माहिष्मती, डेफिनेटली माहिष्मती, ठीक है। तो यहां पे आप लोगों को देख भी रहे कि ये बोल भी रहे कि जय माहिष्मती, है ना, ठीक है। देन कम्स द महाजनपद ऑफ अशमक, ये नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच का जो हिस्सा है वो कहलाता था, जिसकी कैपिटल थी पोटना और पाटाली। देन कम्स द महाजनपद ऑफ गांधार, गांधार प्रेजेंटली कॉल्ड एज कंधार, इट इज इन अफगानिस्तान। सो एज फार एज अफगानिस्तान, ठीक है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, ठीक है, वो फैला हुआ है, मतलब डेफिनेटली आज भी फैला हुआ है। पॉलिटिकल जो बाउंड्रीज हैं वो डिफरेंट है, बट एंशियंट हिस्ट्री में हम लोगों को ये पूरा का पूरा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इसी के बारे में देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को इसी कैपिटल देखने को मिलती है तक्षशिला, जो कि पाकिस्तान में रावलपिंडी के पास में। देन कम्स द महाजनपद ऑफ कंबोज, जिसकी कैपिटल रही राजपुर और हटाका। सो दीज वर दी 16 महाजनपद अलोंग विद देयर कैपिटल्स। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा ये वाला, और ये जो 16 महाजनपद थे इनके बारे में हम लोगों को जानकारी कहाँ से मिलती है, ये हम लोगों को बुद्धिस्ट लिटरेचर अंगतूर निकाय, ठीक है, यहाँ से देखने को मिलती है, बुद्धिस्ट लिटरेचर महावस्तु से देखने को मिलती है, और जैन लिटरेचर भागवती सूत से देखने को मिलती है, ठीक है, जहां से हम लोगों को देखने को मिलते हैं कि एंशियंट इंडिया में देयर वर 16 महाजनपद, ठीक है। तो काफी कॉमनली आप लोगों को क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि हाउ मेनी महाजनपद वर देयर इन एंशियंट इंडिया, देयर वर 16 महाजनपद। रैंडमली किसी भी महाजनपद को देकर या दो तीन को देकर वो उसकी स्टेट या कैपिटल, आई मीन महाजनपद को देकर उनकी कैपिटल्स को मैच द फॉलोइंग के लिए पूछ सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, तो कोई भी मिस मत करना। सो आज का टॉपिक यही तक था, किसी को आज के टॉपिक में इस लेक्चर में कोई भी डाउट हो, डू कमेंट्स बिलो, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू देम। और जिन भी स्टूडेंट्स को ऑफलाइन बैचेस शुरू कर रहे हैं, स्पार्क इंस्टीट्यूट हर ट्यूजडे को एक नया बैच लेकर आते हैं, आप लोग उस ऑफलाइन बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी रीडिंग मटेरियल, टेक्स्ट मटेरियल जो भी आप लोगों को चाहिए, वो आप लोगों को प्ले स्टोर की ऑफिशियल ऐप जो कि स्पार्क इंस्टीट्यूट की है, ठीक है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आप लोगों को जो भी स्टडी मटेरियल है वो पूरा का पूरा मिल जाता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, वी विल मीट टुमारो, थैंक यू, वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट थर्सडे, ठीक है। शेड्यूल आप लोगों के साथ में कल ही मैंने डिस्कस कर लिया था, थैंक यू।